Hello and welcome all of you, and you are watching K Commerce Academy with me, Kunal Singhal. So today we will be studying the principle of cooperation, not individualism. आप लोगों को याद होगा कल हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड. और हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट और वर्कर्स हैं उन दोनों के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए. यहाँ पे आज जो हम प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, दिस इज़ एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. अब मान लीजिए मैनेजमेंट और वर्कर्स में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन वर्क करते समय एक दूसरे को अगर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो भी हमें उसका बेनिफिट रियल में अचीव नहीं हो पाएगा. सो देखिए क्या लिखा है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दैट इज़ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म. यानी कि जब भी वर्कर्स को किसी हेल्प की ज़रूरत हो, किसी सजेशंस की ज़रूरत हो, किसी गाइडेंस की ज़रूरत हो, मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड दैट गाइडेंस, दैट हेल्प, दैट सजेशन टू द वर्कर्स. इन ऑल द मैनेजमेंट मस्ट वर्क विद कंप्लीट सपोर्ट टू द वर्कर्स, एंड ऑन द सेम साइड वर्कर्स शुड प्रोवाइड कंप्लीट सपोर्ट टू द मैनेजमेंट. चलिए एक छोटा सा मूवी क्लिप हम देखते हैं, उससे आपको काफी अच्छा समझ में आएगा. सो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं तो ये कि मैनेजर को कभी भी अपने एक पर्टिकुलर एटीट्यूड में नहीं रह के बल्कि सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए वर्कर्स को. अगर मैनेजर अपना और ऐसा क्रिएट करके रखेगा जिसको जिससे कोई बात करने में डरे या उसको सजेशंस देने में डरे, अपनी ग्रीवेंसेस बताने में डरे, तो फिर उसको हम कोऑपरेशन वाली सिचुएशन नहीं कह सकते और ऐसी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती. इन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिशन should be replaced by cooperation. There should not be a competition among the management and the workers, but there should be a cooperation among the management and the workers. Management and workers should realize the need and importance of each other. Because एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अच्छा हो, मैनेजर्स हों लेकिन वर्कर्स ना हो तो भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी, और वर्कर्स हों लेकिन मैनेजमेंट ना हो, प्रॉपर मैनेजर्स ना हो तो भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी. सो बोथ हैव देयर ओन इम्पॉर्टेंस. सो बोथ शुड रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच अदर. फॉर दिस मैनेजमेंट शुड एनकरेज कंस्ट्रक्टिव सजेशंस बाय एम्प्लॉयज थ्रू प्रॉपर रिवॉर्ड्स. मैनेजमेंट मस्ट वेलकम द सजेशंस फ्रॉम द वर्कर्स, फ्रॉम द अदर सबॉर्डिनेट एम्प्लॉयज. ये है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. चलिए जल्दी से मुझे याद करके बताइए, जब हमने प्रिंसिपल ऑफ फेयोल, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रपाउंडेड बाय हेनरी फेयोल जो हमने पढ़े थे, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है विच सीम्स टू बी सिमिलर टू दिस कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. अभी अभी मैंने जो पढ़ा है, मैनेजमेंट शुड एनकरेज कंस्ट्रक्टिव सजेशंस बाय एम्प्लॉयज. सो हमने हेनरी फेयोल का भी एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसमें सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ को वेलकम किया था. कमेंट में लिख के बताइए कि कौन सा प्रिंसिपल था हेनरी फेयोल का. अंडर द कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मैनेजमेंट शुड टेक वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर मेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन. एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड अवॉइड स्ट्राइक्स एंड अनरीजनेबल डिमांड्स. अब जितना भी सारा सेक्रीफाइस है, जितना भी सारा सपोर्ट है, सिर्फ मैनेजमेंट की तरफ से ही थोड़ी ना है, वर्कर्स को भी इस बात का ध्यान रखना है दैट दे शुड नॉट गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्राइक, और दे शुड नॉट कीप एनी सॉर्ट ऑफ अनरीजनेबल डिमांड फॉर सैलरी और अलाउंसेज और एनीथिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट शुड टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज मस्ट टेक केयर ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मस्ट इंसिस्ट ऑन पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट वेयर बाय द एम्प्लॉयर टेक्स केयर ऑफ द नीड ऑफ एम्प्लॉयज. ये पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा मैनेजमेंट स्टाइल है, या फिर इसको कह सकते हैं एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है, जिसमें
जो ओनर या जो मैनेजमेंट होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं। दे नेवर ट्रीट देम टू बी सबॉर्डिनेट्स और द वर्कर्स, बट दे ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट्स एज अ फैमिली मेम्बर्स। ऑन द सेम साइड दे ऑल्सो एक्सपेक्ट द लॉयल्टी एंड ओबीडियंस फ्रॉम देयर वर्कर्स। ये होता है पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अंडर विच द मैनेजर ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट्स एज अ फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट प्रॉपर लॉयल्टी एंड ओबीडियंस फ्रॉम दोज वर्कर्स। दिस इज कॉल्ड पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। सो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ऑलवेज मस्ट फॉलो द पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद वन एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हमें अप्लाई करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। द मैनेजमेंट कैन इन्वॉल्व वर्कर्स इन डिटर्मिनिंग द वर्क स्टैंडर्ड्स। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहे हैं उनका एक स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेथड अगर हमें सेट करना है तो उसके लिए हमें सजेशंस एम्प्लॉय से डिमांड करने चाहिए। डिसीजन मेकिंग में हमें इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए अपने वर्कर्स का, अपने सबॉर्डिनेट्स का। इट विल इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स एंड दे विल परफॉर्म मोर एफिशिएंटली बिकॉज देयर मॉरल विल बी बूस्टेड अप। सो अगर हम उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड करेंगे सो देयर एफिशिएंसी विल ऑटोमेटिकली विल इम्प्रूव। आई होप आप लोगों को ये प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर करें जिससे कि और आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव करने में। थैंक यू।